हेलो गाइस, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में फिर से खेल रहे हैं ब्लॉक्स फ्रूट और आज है एपिसोड नंबर 125। तो इस वाले एपिसोड में मैं खेल रहा हूँ ब्लॉक्स फ्रूट और आज है एपिसोड नंबर 125। तो इस वाले एपिसोड में मैं करने वाला हूँ मैस्ट्री, वो भी किस सुने में। अभी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी के लिए मेरे 594 मैस्ट्री है और जब मैं इसको पूरी कर दूंगा तो फिर मेरा फ्रूट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं इसकी मैस्ट्री अप करने वाला हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम होता है। वैसे 300 तक या 350 तक करना उतना हार्ड नहीं होता, मतलब तुम वो कर सकते हो कि एक वॉक होता है, लेकिन उसके बाद की जो मैस्ट्रीज रहती हैं वो काफ़ी मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो करना काफ़ी ज़्यादा टफ और चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो इसके लिए मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा और साथ में जो भी एडवेंचर्स होंगे इसके दौरान मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे अब हम लोग पहुँच चुके हैं हॉन्टेड कैसल और अभी यहाँ पे हम लोग आके देख लेते हैं कि भाई क्या है यहाँ। तो यहाँ पे मुझे करनी है मैस्ट्री अब, तो यहाँ पे कुछ बंदे हैं जिनसे हमें मिलना है। चलो जाके लफड़ा करके आते हैं। अभी पहले हमें चलना सीखना होगा। तो यहाँ पे कुछ बंदे रहते हैं, अबे कहाँ हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो है भाई ये जो पिछले एपिसोड में हमें बहुत मेहनत से मिला था। हाँ, मिल गया था पिछले एपिसोड में और यहाँ पे मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा शोकेस किया था, लेकिन एक चीज़ थी जो नहीं मिली थी, वो है किट्सुने का फिजिकल फ्रूट। उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ और जल्द ही मैं उसे पा के रहूँगा। हालाँकि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी बनाए उसके ऊपर, लेकिन वो हासिल नहीं हुआ, लेकिन होगा एक दिन। तो यहाँ पे ये कुछ इसके अटैक्स हैं जो कि मैंने तुम्हें दिखाए भी थे, लेकिन यहाँ पे बहुत लास्ट में दिखाए थे तो शायद तुमने नहीं देखे होंगे, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आज फिर से। और ये है, ये थे कुछ अटैक्स इसके। अब यहाँ पे मैं तुम्हें इनसे, इनके साथ हमें लफड़ा करना है। बेसिकली हमें क्या करना है, इनको किल करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इनकी मैस्ट्री बनानी है और यहाँ से हमारे पास दो काम होंगे। सबसे पहले काम ये होगा कि अगर हम इनको किल करेंगे कि हमारी मैस्ट्री बनेगी, सबसे पहला काम। और दूसरा, यहाँ पे तुम लोग डैमेज भी देख सकते हो, काफ़ी तगड़ा डैमेज दे रहा है यार। बूटा फ्रूट जैसा फ्रूट हमें देता था ऐसा तगड़ा डैमेज। और दूसरा काम ये होगा, मैं बोला नहीं भाई, दूसरा काम ये होगा कि यहाँ पे हमें जो बोन्स मिलेंगी उससे हम लोग प्रे करेंगे। और यहाँ पे प्रे करने से हमारे पास दो चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि हम अंदर से जाके वहाँ पे हम लोग स्पिन कर सकते हैं और हमें वहाँ पे फ्रैक्स और भी दो चार चीज़ें और रहती हैं वो हमें मिल सकती हैं। और जैसे कि 2x कुछ रहता है, जैसे 2x तुम लोग समझ गए क्या होता है 2x। और दूसरी चीज़ ये होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ क्या होती है पता नहीं भाई, दूसरी चीज़ कुछ तो होती है, छोड़ो से। और यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे किल कर दिया और यहाँ पे चलो प्रे कर, हाँ दूसरी चीज़ ये थी कि भाई होलो एसेंस और फायर एसेंस, मतलब होलो एसेंस मिलता है बेसिकली, और क्या ही मिलता है यहाँ पे, फ्रैक्स ही मिलते हैं, फ्लेम एसेंस तो नहीं मिलता यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोगों ने किल कर दिया फाइनली और यहाँ पे मेरी 595 मैस्ट्री होगी। और तुम लोगों ने देखा कि मैंने कितना कुत्ता मचाया इन लोगों का, लेकिन फिर भी मैस्ट्री इतनी धीरे धीरे बढ़ी, मतलब मैस्ट्री बढ़ने का नाम नहीं ले रही, इसीलिए ये चैलेंजिंग है। नहीं तो मतलब इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है कि भाई मैस्ट्री अप करनी, लेकिन ये मैस्ट्री अप करनी इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे 600 के जो नज़दीक का रहता है वो सबसे टफेस्ट रहता है। और यहाँ पे मज़ा भी आता है कि भाई तुम लोग एक फ्रूट को पूरी तरह से मैस्टर्ड करने वाले हो, ये रहता है। तो अभी हम लोग एलिफेंट को मार रहे हैं और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कितना अच्छा कॉम्बो है भाई, मतलब कुछ किट्सुने का मज़ा आता है। किट्सुने का सेंगुल आर्ट के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो मज़ा आता है भाई। बूदा के साथ भी इतना अच्छा नहीं लगता। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी तुम लोग देख सकते हो कि मैं अभी कित मतलब अपना जो फ्रूट है किट्सुने उसको एक नॉर्मल फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं अगर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा तो मेरे पे दो बेनिफिट होंगे, जैसे अभी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, अब मेरे पास ये मतलब बेनिफिट रहेगा कि यहाँ पे मैं लॉन्ग रेंज अटैक भी कर पाऊँगा, थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बूढ़ा जितना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पे थोड़ा सा एज रहेगा। और दूसरा ये रहेगा कि मेरे अटैक ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो ये मेरे पास दो चीज़ें रहेंगी जो कि काफ़ी अच्छी रहेंगी। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी रहता है, बूढ़ा में इसका कोई ड्रॉबैक नहीं होता, लेकिन बूढ़ा में उस फ्रूट का कोई यूज़ नहीं रह जाता बेसिकली, ये रहता है। लेकिन इस फ्रूट में ये रहता है कि तुम सेंगुल आर्ट नहीं कर सकते जब तुम ट्रांसफॉर्म कर चुके होते हो, तो ये इसका ड्रॉबैक है। और तुम स्पॉट भी नहीं यूज़ कर पाओगे, तो ये कुछ चीज़ें हैं ड्रॉबैक के साथ, लेकिन मतलब फिर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद। अगर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हें कॉम्बो करना है, कॉम्बो के हिसाब से तुम्हें बनना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मत करना, नहीं तो फिर तुम्हें
ट्रांसफॉर्मेशन में आपके कॉम्बो के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा तो नहीं होगा मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर एक स्ट्रोक में तुम्हें, अगर तुम्हारे पास फाइट हो रही है तगड़ी, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे करना। और यहाँ पे मुझे भी लगा था, बेसिकली मैं तो अपने व्यूज़ बता रहा हूँ, कई लोग भाई ऐसे भी कर लेते हैं, तो तुम्हारे ऊपर है बाकी। तो ये रहे कुछ बंदे जिनको मैंने पेला, और अभी मेरी मैस्ट्री हो गई है 598, देखते ही देखते होगी भाई, ये बहुत आराम से हो रही है, बहुत आराम से नहीं मतलब टाइम लग रहा है। और यहाँ पे भी एक प्रिंसेस होती है, चलो देख लेते हैं, यहाँ पे प्रिंसेस है कि क्या है, ब्यूटीफुल पायरेट, हाँ तो यहाँ पे रहती है ब्यूटीफुल पायरेट, जिसको हमें अभी कूटना है अच्छे से, और उसके बाद में हमें देखते हैं कितनी मैस्ट्री देगी। लेकिन यार ये छोटे मोटे बॉस हैं, इससे खास तो कुछ होगा नहीं, आई थिंक 599 होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, लेट्स सी इफ वी हिट 599 और नॉट। यहाँ पे मेरा अवेकन हो गया है, फ्रूट नहीं भाई, यहाँ पे V4 अवेकन हो गया है, और अभी मेरे पास पता नहीं कौन सी रेस है, आई थिंक शार्क्स मैन है मेरे पास। तो मैंने क्योंकि काफ़ी दिनों में काफ़ी सारी रेसेस चेंज करी हैं अपनी, और उसमें V4 लिया है, तो इसलिए अभी उसका रिकॉर्डिंग किया है मैंने, तो मेरे को यहाँ पे भूल जाता हूँ मैं, काफ़ी दिन हो गए हैं कि मतलब कौन सी रेस है मेरे पास करके, तो इसलिए अभी तुम्हारे पास वीडियोस आएंगे और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी उसको देख कर कि V4 के लेके जब मैं लूँगा V4, तो भाई यहाँ पे मैंने 598 ही कर पाया हूँ उस बॉस को पेलने के बाद भी। और अब हम यहाँ पे थोड़े बहुत पायरेट्स रहते हैं, मतलब खुले खुलने वाले बंदे, उनको कूट लेते हैं, और अभी जाके 599 हुआ है। अब बस मेरे को एक लाइन पूरी भरनी है, तब जाके मेरा होगा 600 कंप्लीट और हमारा फूड मैस्टर्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी रहती है एक प्रिंसेस, इसका नाम क्या था भाई, ब्यूटीफुल पायरेट तो इसका भी कुछ होता है नाम, पर मेरे हिसाब से ये बोवा होती है, इतना मुझे पता है भाई, इसका नाम मुझे याद नहीं, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं, इसका खेल ख़त्म। और यहाँ पे हमें मिला तो है, लेकिन आई डोंट थिंक कि मुझे 600 हुआ है, और आधी रह गई है भाई, आधी यहाँ पे एक स्टोन वाले बंदे रहते हैं, इससे हमें हैट मिलती है, क्या मिलता है हमें, टोपी मिलती है कोई, तो इनको कूट लेते हैं अच्छे से। और आई थिंक हमारा यहाँ पे तो नहीं होने वाला, क्योंकि इतने कितने बंदे ही होंगे यहाँ पे, ज़्यादा बंदे थोड़ी होंगे। तो भाई यहाँ पे कितना है, वुडन प्लैंक मिले हमें, अच्छा पेड़ काट दिया मैंने गलती से, तो लेट्स सी यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प अच्छी भाई इसकी, ये बॉस है क्या, तो यहाँ पे मुझे मिल गया प्लॉट और हेलमेट मिल गया, पायलट हेलमेट, सॉरी गाइस सॉरी, तो यहाँ पे मेरे को पायलट हेलमेट मिल गया फाइनली। और यहाँ पे मेरी मैस्ट्री जो रह गई वो आई थिंक चंद थोड़ी सी मतलब तुम लोग बोल सकते हो कि पिंच ऑफ सॉल्ट जैसे होता है ना, इतनी थोड़ी रहेगी, मतलब देख भी नहीं सकते तुम, मिलीमीटर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आई थिंक सो सेंट मिलीमीटर कम होता है सेंटीमीटर से, तो मिलीमीटर में ही रही थी। तो यहाँ पे फाइनली हो गई हमारी मैस्ट्री पूरी, और ये है 600 पार, तो यहाँ पे हमारी 600 पूरी हो चुकी है, और हमने यहाँ पे किट्सुने को फुल्ली मैस्टर्ड कर दिया। और इसके बाद मैं इस फ्रूट को चेंज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा हो गया है काम इसका जो होना था इसके साथ। और ये रहा भाई लियो, एक बंदे ने मेरा मतलब एक सब्सक्राइबर हैरिट्स, उसने मेरे को दिया है भाई लियो, लियो के बदले भाई मैंने उसको ठीक ठाक कह सकते हो घटिया ही ट्रेड है, कंट्रोल वैसे ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने वो मेरे को देना चाह रहा था, मैंने कहा ठीक है भाई दे हम लोग रख लेते हैं। तो गाइस ये थी वीडियो, मिलते हैं, आशा करता हूँ तुम्हें अच्छे लगते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो करो लाइक, और अपने कमेंट्स और व्यूज़ बताओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।